नाइन्थ को देखते हैं, अ मैन थ्रोज बॉल विथ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड. वॉट शुड बी द स्पीड थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन एयर एट एनी 2 टाइम. तो देखिए इसको, इसको देखिए. ऐसे मान लेते हैं इसको फेंका गया, 2 सेकेंड में इसको यहां पहुंच जाना है. 2 सेकेंड में अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड. दो दो सेकेंड पर फेंका गया है. मान लेते हैं कि एक यहां से फेंका और यहां आ गया तो दूसरा आपने फेंका, तो हमेशा एक हवा में रहेगा. अगर मान लेते हैं ऐसा किया आपने तो हमेशा एक हवा में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, आया ना? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 equals to 2u by g, u equals to g. इसके लिए आपको इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और लेस देन 2 सेकेंड रखना पड़ेगा, तभी जाकर के एक मिनिमम हवा में रहेगा. तो कितना हो जाएगा, 2u by g लेस देन 2 से 2 खत्म. u को क्या करना पड़ेगा, जी से छोट, टाइम को, एक सेकंड उल्टा लिख दिया मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट को ग्रेटर देन 2 सेकेंड रहना पड़ेगा. ठीक है, तब जाकर के कम से कम एक जो है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट ग्रेटर देन 2 सेकेंड रहना पड़ेगा, तब जाकर के एक कम से कम हवा में दिखेगा हमेशा. तो 2u by g ग्रेटर देन 2 से 2 खत्म, यू ग्रेटर देन जी. लेकिन 2 की बात किया है इसमें, 2 बॉल्स, इसका मतलब यह है कि एक यहां है तो दूसरे को दूसरा फेंक दो. मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, टाइम ऑफ एसेंट को ग्रेटर देन होना पड़ेगा, टाइम ऑफ एसेंट को ग्रेटर देन होना पड़ेगा 2 सेकेंड से, यानी यू बाई जी ग्रेटर देन 2, यानी यू को ग्रेटर देन होना पड़ेगा 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 19.6 ओनली द स्पीड ऑफ 19, मोर देन 19.5, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है, 9 का कौन सा हो गया, बी.